देश की राजधानी दिल्ली के दिल में बसे कनॉट प्लेस के बिल्कुल बीचों बीच बना है जंतर मंतर, जो कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की एक बेहतरीन मिसाल है। बहुत दूर दूर से पर्यटक जंतर मंतर देखने के लिए आते हैं। दिल्ली में दर्शनीय अनेक जगहों में से एक है जंतर मंतर, जो पर्यटकों को अक्सर अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने साल 1724 में करवाया था। दरअसल मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ी थी, और इसी बहस को खत्म करने के मकसद से राजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। उन्होंने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर में भी जंतर मंतर का निर्माण करवाया। समय और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। जयपुर के जंतर मंतर को तो यूनेस्को ने साल 2010 में विश्व की बेशकीमती धरोहर घोषित किया था, क्योंकि यहाँ कई तरह की वेधशालाएं हैं। 1710 से 1760 के बीच यहाँ करीब 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया गया, जिनमें से एक है यहाँ लगी दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, जिसे वृहद सम्राट यंत्र कहा जाता है। ये सूर्य घड़ी स्थानीय समय बताती है, साथ ही ग्रहों की गति नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण और लगाए गए हैं, जिसमें से एक है सम्राट यंत्र। इसे यंत्रों का सम्राट माना जाता है। ये सबसे विराट और प्रभावशाली यंत्र है, जो सूर्य की मदद से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इससे सूर्य का समय, स्थानीय समय और सूर्य का झुकाव आसानी से जाना जा सकता है। मिश्र यंत्र, ये 5 यंत्रों का मेल, जिसके जरिए खगोलीय गणनाएं की जाती थीं। साल के सबसे बड़े और सबसे छोटे दिनों के बारे में ये यंत्र बताता है। अब बात करते हैं जयप्रकाश यंत्र की, जिसका नामकरण महाराजा जय सिंह द्वितीय के नाम पर किया गया था। प्राचीन काल से विश्व के दूसरे भागों में इस्तेमाल की जा रही घड़ियों से काफी जटिल और बेहतर है। इसी के ठीक बगल में सम्राट यंत्र भी है। राम यंत्र, राम यंत्र को सवाई राजा जय सिंह ने अपने दादा राम सिंह जी के नाम पर बनवाया था। इसको करीब 30 हिस्सों में विभाजित किया गया है, यानी कि 30 दिन, और इन सब के बीच में करीब 6-6 डिग्री की दूरी है, और कुल मिलाकर ये 360 डिग्री होता है। अब आपको इसके इस्तेमाल के बारे में समझाते हैं। सूर्य और चंद्रमा की गणना करने में, इनकी आपस में दूरी तय करने में, और इसके अलावा जो खगोलीय पिंड होते हैं उनकी भी सूर्य और चंद्रमा से दूरी तय करने में ये राम यंत्र मदद करता है। काफी सटीक गणना करने वाले ये यंत्र आज के मुकाबले भले ही उतने सफल ना हो, लेकिन उस दौर में, यानी कि कई 100 साल पहले, ये यंत्र काफी सटीक जानकारियां दिया करते थे। ये हमारी विरासतों में से एक है, जहां दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं और इसके जरिए कुछ नहीं तो कम से कम टाइम तो पता करने की कोशिश करते ही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से जुड़ी एक और खास बात बता दें कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब यहां धरना प्रदर्शन ना हो रहा हो। छोटे छोटे प्रदर्शनों के अलावा दिल्ली के जंतर मंतर ने कई बड़े और ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन भी देखे हैं। साल 2011 में समाजसेवी अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर जन लोकपाल बिल को लाने के लिए आंदोलन किया था, जिसने यूपीए सरकार को हिलाकर रख दिया था। फिर साल 2013 में समाजसेवी मेधा पाटकर की अगुवाई में यहां नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया था। फिर साल 2017 में तमिलनाडु के किसानों ने जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था, और किसानों के लिए केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपए के सूखा राहत पैकेज की मांग की थी। तो अब तो आप लोग जंतर मंतर की खासियत से रूबरू हो ही चुके हैं। भारत के राजा महाराजाओं ने अपनी सुख सुविधा के अनुसार ऐसी कई जगहों पर अलग अलग आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजों का निर्माण करवाया था, जो उस समय उनके लिए काफी लाभकारी साबित होती थी। हालांकि अब तो समय के साथ साथ और भी कई चीजें बदल रही हैं, लेकिन ये भारत की संस्कृति, हमारी प्राचीन धरोहरों को संभाल कर रखना हमारा दायित्व है, क्योंकि ये सभी चीजें ऐतिहासिक हैं, जो एक बार हमने खो दी तो शायद वापस कभी नहीं पा पाएंगे। हमें जरूरत है तो हमारी ऐसी धरोहरों को संजो कर रखें।